ये तस्वीर है कोलकाता फूलबगान और सियालदा मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सुरंग की। अब जरा ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये किसी घटना की शिकार की तस्वीर नहीं है, बल्कि मेट्रो अधिकारियों की ओर से एक मॉक ड्रिल है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किसी आपातकालीन के समय किस तरह से अधिकारीगण लोगों की मदद कर सकते हैं। जी हाँ, कोलकाता मेट्रो के अंदर मेट्रो सुरंगों में NDRF के साथ यात्री निकासी के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल किसी भी आपदा से निपटने के लिए की जाने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि आपदा आने पर उससे निपटने के लिए वे किस तरह से और कौन कौन से जरूरी कदम उठाएंगे। इसी की एक तस्वीर देखी गई है आज। मेट्रो रेलवे हमेशा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सुरंग के अंदर ट्रेन दुर्घटना जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेट्रो कर्मचारियों की तैयारियों की जांच करने के लिए फूलबगान और सियालदा मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो सुरंगों के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी NDRF कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से एक यात्री निकासी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य निकासी कौशल को उन्नत करने के साथ ही साथ ऐसी आपात स्थितियों के दौरान मेट्रोमैन की सतर्कता और तैयारियों की जांच करना था। इस मॉक ड्रिल के दौरान मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद थे।